अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पाक। देसी नुस्खे पाक में हकीम आमिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं माजून शबाब लेकर हाजिर हुआ हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को इंतशार की कमी है, टाइमिंग नहीं है, ढीलापन है, मुस्तनी करके अपना नफ्स का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब और नायाब माजून है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। साले मसरी 50 ग्राम, मगज़ ख्यारीन 50 ग्राम, मगज़ कद्दू 50 ग्राम, मगज़ तरबूज 50 ग्राम, मगज़ खरबूजा 50 ग्राम, कुंजत स्याह 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ चिलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, तुखों में प्याज 50 ग्राम, मुस्तगी रोमी 20 ग्राम, खशखाश 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, खालिस शहद 2 किलो। तो दोस्तों, शहद को छोड़कर बाकी सब अज़ा को आपने बरी कोट लेना है। तो आपने इसका माजून बना लेना है। तो इसकी आपने 1 चम्मच सुबह व शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। आपको इंतशार की कमी है, ढीलापन है या टाइमिंग का मसला है, मादा मन में या पतली है, तो उनके लिए बहुत ही नायाब और कार आमद नुस्खा है। और ये दिल को, दिमाग को, दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है, स्पर्म की तादाद में इजाफा करती है, मन्नी बाकसरत पैदा करता है और बदन को मोटा बनाता है, चेहरे को निखारता है। कुव्वत बाह के लिए लाजवाब नुस्खा है। दोस्तों, नुस्खा दोबारा नोट कर लें। साले मसरी 50 ग्राम, मगज़ ख्यारीन 50 ग्राम, मगज़ कद्दू 50 ग्राम, मगज़ तरबूज 50 ग्राम, मगज़ खरबूजा 50 ग्राम, कुंजत स्याह 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ चिलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, मगज़ तुखम प्याज 50 ग्राम, मुस्तगी रोमी 50 ग्राम, खशखास 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम। तो इन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल ग्राइंड पीस लेना है और 2 किलो शहद में इसका आपने माजून तैयार कर लेना है। तो इसका आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये गुर्दे और मसाने के लिए बेहद मुफीद है, दिल और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है, स्पर्म की तादाद को बढ़ाता है, मन्नी को गाढ़ा करता है और उसकी मन्नी को पैदा करता है, और ये बदन को मोटा करता है, चेहरे को निखारता है। कुव्वत बाह के लिए बहुत ही कार आमद और नायाब नुस्खा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरी नेक्स्ट हौसला अफजाई के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें और देसी नुस्खे पाक को देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।